हरे कृष्णा, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण शिंगार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी स्पेशल अभिषेक दिखाने वाले हैं। हमारी राधा रानी ने कपड़े पहन लिए हैं और अभिषेक के लिए रेडी हो गई हैं। जैसे कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको कपड़े का रिव्यू दिखाया था और यही कपड़े पहन के राधा रानी का अभिषेक हुआ है। जन्माष्टमी के दिन हमने अपनी राधा रानी को यही ड्रेस पहनाया था और इसी ड्रेस में इनका भव्य अभिषेक किया था। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी राधा रानी को दूध से अभिषेक कराएंगे। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। और हम कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कोई भी मंत्र बोल करके राधा रानी को दूध से पहले स्नान करवा दें अच्छे से। स्पेशली आप जन्माष्टमी में तो पंचामृत अभिषेक जरूर कराएं। अब हम इसके बाद अपनी राधा रानी को दही से अभिषेक करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आप मंत्र बोल करके राधा रानी का अभिषेक करा सकते हैं। और अब हम शहद से अभिषेक कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे मंत्र बोलते हुए आप अब शहद से अभिषेक कराएंगे। अभी हमने दूध, दही और शहद से इनका अभिषेक कर दिया है। चार चीज़ों से इनका अभिषेक हो गया है और अच्छे से आपको अभिषेक कराना है, क्योंकि साल में आप अगर विग्रह को एक बार अभिषेक कराते हैं तो काफ़ी अच्छे से कराइए। इससे अगर आपका विग्रह पीला या काला पड़ गया होगा तो वो भी अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। हम घी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। विग्रह मार्बल का है, बहुत ही चिपचिपा हो जाता है, स्लिपी हो जाता है, तो हाथ से भी स्लिप हो सकता है, इसलिए हम बहुत ही हल्का ही घी हमने यूज़ किया। और अब हम इनको शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। पांच चीज़ों से इनका अभिषेक होता है, हमने पांच चीज़ों से इनका अभिषेक कर दिया है और अब हम इनको शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। गंगा जल से कर दिया और अब हम इनको शुद्ध जल से इनका अभिषेक कर देंगे और इसके बाद में हम इनके कपड़े वगैरह चेंज कर देंगे। जो भी चीज़ आप अभिषेक में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में आपको तुलसी पत्र ज़रूर ऐड करना है, ताकि आप तुलसी पत्र जब आप ऐड करते हैं वो भगवान जी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको फूलों के का स्नान करवाएंगे। इसे आप बोल सकते हैं पुष्प अभिषेक। आप फूलों से भी इनका अभिषेक कराएं तो जन्माष्टमी होता ही बहुत ही स्पेशल है। जितना यूनिक, जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा अभिषेक करिए। अब राधाष्टमी आने वाली है, सेम आपको राधाष्टमी में भी यही सब प्रोसेस करना है। तो इसके बाद अब हम इनको टावल से कवर्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, दें आप हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी राधा रानी को अच्छे से टावल से पोंछ दीजिए और फिर इनका श्रृंगार वगैरह चेंज कर दीजिए। राधे राधे।